वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम इंजन में प्रयोग की जाने वाली कनेक्टिंग रॉड के संबंध में समझते हैं। तो देखते हैं कनेक्टिंग रॉड। कनेक्टिंग रॉड पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट के बीच लगी होती है। कनेक्टिंग रॉड हल्की या पर्याप्त मजबूत होना चाहिए ताकि प्रतिबल और ऐंठन बल को सहन कर सके। प्रतिबल या ऐंठन बल को सहन करने योग्य होना चाहिए। इसी प्रकार कनेक्टिंग रॉड पिस्टन की रेसिप्रोकेटिंग मोशन रेसिप्रोकेटिंग मोशन इसे हिंदी में हम कहते हैं प्रत्यागामी गति को क्रैंकशाफ्ट की रोटरी मोशन जिसे घूर्णी गति कहते हैं में परिवर्तित करने में सहायता करती है। अगर देखते हैं कि एक कनेक्टिंग रॉड जब पावर स्ट्रोक के दौरान कंबस्शन चैम्बर में ईंधन का दहन होता है तो ईंधन के दहन के दौरान कंबस्शन चैम्बर में पावर जनरेट होता है और उस पावर को कनेक्टिंग रॉड क्रैंकशाफ्ट तक ट्रांसमिट करने का कार्य करती है। पावर को ट्रांसमिट करने अब बात करते हैं कनेक्टिंग रॉड के मटेरियल की। बात करें तो कनेक्टिंग रॉड मटेरियल कनेक्टिंग रॉड हाई ग्रेड एलॉय स्टील और एल्यूमिनियम एलॉय की बनी होती है। जैसे आप जानते हैं कि यह जो कनेक्टिंग रॉड है हाई ग्रेड एलॉय स्टील और एल्यूमिनियम एलॉय की बनी होती है। क्योंकि डीजल इंजन एक हैवी इंजन होते हैं तो इस प्रकार के इंजनों में जो कनेक्टिंग रॉड प्रयोग करी जाती है वो हाई ग्रेड एलॉय स्टील की प्रयोग की जाती है। क्योंकि जो पेट्रोल इंजन होते हैं उन पेट्रोल इंजन में प्रयोग की जाने वाली जो कनेक्टिंग रॉड होती है उसे वो एल्यूमिनियम एलॉय की बनी होती है। तो इस प्रकार से एक कनेक्टिंग रॉड जो है या दो प्रकार के मटेरियल से बनाई जाती है, हाई ग्रेड एलॉय स्टील और एल्यूमिनियम एलॉय की। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। बात करें कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसके पहले जानते हैं ये चित्र के माध्यम से इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। तो देखते हैं यह जो प्रयोग किया गया पिस्टन और इस भाग को पिस्टन पिन कहते हैं जिसे गदन पिन के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार से यह कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड है तो ये जो भाग होता है कनेक्टिंग रॉड दिखाई जा रही है चित्र में, तो कनेक्टिंग रॉड का जो ऊपर वाला भाग होता है उसे हम स्मॉल एंड कहते हैं
और इसी स्मॉल एंड में एक आई होल बना होता है और इस आई होल में एक बूस प्रयोग किया जाता है। चित्र में देख रहे हैं जैसे कि बूस है, यह जो बूस होता है यह ब्रांच का बना होता है ब्रांच या गन मेटल या दो प्रकार के मटेरियल से बना होता है बूस। और इस बूस को कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड में प्रेस कर दिया जाता है, मतलब फिट कर दिया जाता है और कनेक्टिंग रॉड का जो निचला सिरा होता है ये इस सिरे को बिगेन कहते हैं। और यह जो बिगेन वाला भाग होता है ये दो भागों में बना होता है। और इसे देखते हैं कि कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड पे जो बूस प्रयोग किया गया है यह ब्रांच और गनमेटल का बना होता है जो स्मॉल एंड के आई होल में फिट कर दिया जाता है। और इसी बूस के ऊपर एक होल प्रोवाइड किया जाता है। इस होल का उद्देश्य होता है कि जब इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल का सर्कुलेशन होता है तो वहां पर सर्कुलेशन के दौरान इस बूस पर लुब्रिकेटिंग ऑयल इसी होल के माध्यम से फीड होता है। और कनेक्टिंग रॉड का जो स्मॉल एंड होता है उस स्मॉल एंड के साथ में एक पिस्टन को गजन पिन के माध्यम से कनेक्ट कर दिया जाता है। इस प्रकार से ये कनेक्टिंग रॉड का स्मॉल एंड होता है जो पिस्टन के साथ कनेक्ट होता है और गजन पिन के माध्यम से। और देखते हैं कि बिगेन की बात करें तो यह कनेक्टिंग रॉड का एक ऐसा भाग होता है जो क्रैंकशाफ्ट के साथ कनेक्ट किया जाता है और यह दो भागों में बना होता है। और इसे कनेक्टिंग केप कहते हैं। और इस कनेक्टिंग केप के माध्यम से और नट और बोल्ट के माध्यम से कनेक्टिंग रॉड का जो बिगेन होता है उसे क्रैंकशाफ्ट के क्रैंक पिन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। और इसी बिगेन पर दो बेरिंग प्रयोग करी जाती है। इसे यह बेरिंग सेल बेरिंग या इसे हम डेबिट बेरिंग भी कहते हैं, डेबिट बेरिंग। कनेक्टिंग रॉड के बिगेन को दो भागों में इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आप जैसे जानते हैं कि क्रैंकशाफ्ट टेढ़ी मेढ़ी होती है और टेढ़ी मेढ़ी होने के कारण कनेक्टिंग रॉड के बिगेन को दो भागों में बनाया जाता है ताकि आसानी से इसे फिट किया जा सके। तो इस प्रकार से फ्रिक्शन को कम करने के लिए हम यहाँ बेरिंग का प्रयोग करते हैं, जो सेल बेरिंग और या बेबिट बेरिंग। सेल बेरिंग हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि यह पतली बेरिंग होती है और बेबिट बेरिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दो भागों में बनी होती है, इसलिए इसे हम बेबिट बेरिंग कहते हैं। और बेरिंग क्रस और फ्लेंज प्रोवाइड किए होते हैं ताकि यह कनेक्टिंग रॉड के साथ कनेक्टिंग रॉड के कैप और उसके बिगेन के साथ आसानी से यह फिक्स हो सके, इसलिए क्रस और फ्लेंज बना दिए जाते हैं ताकि यह फिसले ना। क्रस की बात करें तो क्रस कनेक्टिंग रॉड के बिगेन में बिठाई गई सेल बेरिंग के क्रैंक पिन के साथ घूमने को रोकने के लिए बेरिंग क्रस का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से दोनों बेरिंग के आपस में मोमेंट को रोकने के लिए हम फ्लेंज का प्रयोग करते हैं। और देखते हैं कि इसी कनेक्टिंग रॉड में एक डोवेल पिन भी लगा हुआ होता है, डोवेल पिन। और डोवेल पिन को फिट करने के लिए बेरिंग में यहां पर एक डोवेल होल प्रोवाइड किया जाता है, डोवेल होल। और यह डोवेल पिन
बेयरिंग में बने हुए डोयल होल के साथ फिक्स कर दिया जाता है। तो कनेक्टिंग रॉड के बिगेन पर या इस प्रकार से एक डोयल पिन लगी होती है और ये डोयल पिन बेयरिंग पर बने हुए डोयल होल पर जाकर यह फिट हो जाती है, जिससे जो बेयरिंग्स होती है वो इधर उधर सरकती नहीं है। तो इस प्रकार से हम बेयरिंग पर क्रश और फ्लैंज जो मोमेंट को दोनों बेयरिंग के मोमेंट को रोकने के लिए हम प्रयोग करते हैं और डोयल पिन का प्रयोग और इसी प्रकार से डोयल होल का प्रयोग करते हैं और इसी प्रकार से लुब्रिकेटिंग ऑयल के सर्कुलेशन के लिए बेयरिंग में यहाँ पर ऑयल ग्लू प्रोवाइड कर दिया जाता है ताकि लुब्रिकेशन अच्छी तरह से हो। तो इस प्रकार से देखते हैं कि कनेक्टिंग रॉड में स्मॉल एंड और बिग एंड के बीच में वाला जो हिस्सा होता है, इस भाग को हम सेंक के नाम से जानते हैं, सेंक कहते हैं। तो इस प्रकार से कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड को हम पिस्टन के साथ कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड वाले भाग को क्रैंकशाफ्ट के साथ अटैच कर देते हैं और यह इंजन में पिस्टन और क्रैंकशाफ्ट को जोड़ने के लिए प्रयोग करी जाती है। कि कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड और बिग एंड के बीच में जो सेंक होता है, उस सेंक पर एक ड्रिल होल बना दिया जाता है। जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, ये स्मॉल एंड और ये बिग एंड के बीच में एक ड्रिल होल किया हुआ दिख रहा है। तो जानते हैं कि जब इंजन में मेन ऑयल गैलरी से लुब्रिकेटिंग ऑयल कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड में प्रवाहित होता है तो यह फोर्स के साथ में यह लुब्रिकेटिंग ऑयल इसी ड्रिल होल के माध्यम से कनेक्टिंग रॉड के स्मॉल एंड तक प्रवाहित होता है, जो बूश और गजन पिन को लुब्रिकेशन करता है। तो इस प्रकार से कनेक्टिंग रॉड के सेंक में एक ड्रिल होल बना दिया जाता है जो कनेक्टिंग रॉड के बिगेन से स्मॉल एंड तक प्रोवाइड होने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार का जो ड्रिल होल होता है, ये हेवी डीजल इंजन्स में प्रयोग करी जाने वाली जो कनेक्टिंग रॉड होती है, उस कनेक्टिंग रॉड में इस ड्रिल होल का प्रयोग किया जाता है या इस प्रकार की कनेक्टिंग रॉड का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से यह कनेक्टिंग रॉड का कंस्ट्रक्शन। देखते हैं अब कनेक्टिंग रॉड के कितने प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ कनेक्टिंग रॉड, मुख्य रूप से जनरली जो कनेक्टिंग रॉड के दो प्रकार से होते हैं। पहला होता है सिंगल पीस कनेक्टिंग रॉड, सिंगल पीस कनेक्टिंग रॉड जो है, या इसका जो बिग एंड एक ही पीस में बना होता है, मतलब जो कनेक्टिंग रॉड होता है, जैसे आप देख रहे हैं कनेक्टिंग रॉड के बिग एंड में, तो ये जो बिग एंड होगा ये एक ही शेप में बना होगा कनेक्टिंग रॉड का। तो उस प्रकार की कनेक्टिंग रॉड को हम बोलते हैं सिंगल पीस कनेक्टिंग रॉड। और इसका जो दूसरा प्रकार होता है, ये टू पीस या स्प्लिट टाइप कनेक्टिंग रॉड। तो इस प्रकार से तो देखते हैं टू पीस कनेक्टिंग रॉड, जैसे अभी आप देख रहे हैं चित्र में, जिसमें यह कनेक्टिंग रॉड का बिगेन दो भागों में बना हो, और इस प्रकार के कनेक्टिंग रॉड को हम टू पीस कनेक्टिंग रॉड या स्प्लिट टाइप कनेक्टिंग रॉड कहते हैं। इस कनेक्टिंग रॉड में ज्यादातर जो प्रयोग किया जाता है, ये इंजनों में टू पीस या स्प्लिट टाइप कनेक्टिंग रॉड का ही उपयोग किया जाता है। देखते हैं अब कनेक्टिंग रॉड में बेयरिंग क्लीयरेंस की बात करते हैं। तो कनेक्टिंग रॉड में टू टाइप्स बेयरिंग क्लीयरेंस, दो प्रकार के बेयरिंग क्लीयरेंस होते हैं, जिसमें देखते हैं पहला रनिंग
बेयरिंग क्लीयरेंस, रनिंग बेयरिंग क्लीयरेंस या कनेक्टिंग रॉड में बेयरिंग क्लीयरेंस का एक प्रकार है पहला रनिंग बेयरिंग क्लीयरेंस या बेयरिंग और क्रैंक के सतह के बीच का क्लीयरेंस होता है। दूसरे नंबर का जो क्लीयरेंस होता है उसे बोलते हैं साइड बेयरिंग क्लीयरेंस, साइड बेयरिंग क्लीयरेंस। साइड बेयरिंग क्लीयरेंस जो है क्रैंक आर्म एंड क्रैंक पिन के बीच का क्लीयरेंस होता है। तो इस प्रकार से एक कनेक्टिंग रॉड में दो प्रकार के बेयरिंग क्लीयरेंस प्रयोग किए जाते हैं, पहला रनिंग बेयरिंग क्लीयरेंस जो बेयरिंग और क्रैंक के सतह के बीच का क्लीयरेंस होता है, और दूसरा साइड बेयरिंग क्लीयरेंस जो क्रैंक आर्म और क्रैंक पिन के बीच का क्लीयरेंस होता है। इस प्रकार से कनेक्टिंग रॉड में दो बेयरिंग क्लीयरेंस होते हैं। फैक्शन इंस्पेक्शन की बात करें तो कनेक्टिंग रॉड में प्री इग्निशन और डेटोनेशन के कारण कनेक्टिंग रॉड में बेंडनेस आ जाती है, बेंडनेस आ जाती है। तो इस बेंडनेस को चेक करने के लिए कनेक्टिंग रॉड एलाइंजर एक टूल्स होता है, इक्विपमेंट होता है कनेक्टिंग रॉड एलाइंजर, इसके द्वारा कनेक्टिंग रॉड के बेंडनेस को चेक किया जाता है। इसी प्रकार से समांतरता और स्क्वेयरनेस की जो चेकिंग होती है या एंगल गेज द्वारा चेक किया जाता है, एंगल गेज द्वारा कनेक्टिंग रॉड की समांतरता और स्क्वेयरनेस को चेक किया जाता है। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि कनेक्टिंग रॉड में जो बुश हम कनेक्टिंग रॉड की स्मॉल एंड में फिट करते हैं, तो बुश को फिट करने के लिए और इसे रिमूव करने के लिए एक हाइड्रोलिक प्रेस मशीन का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से कनेक्टिंग रॉड में जो दोष आ जाते हैं उन दोष को दूर करने के लिए ये विभिन्न प्रकार की चेकिंग्स या इंस्पेक्शन किया जाता है। कनेक्टिंग रॉड में बुश को निकालने फिट करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेस मशीन का उपयोग किया जाता है।